पहले तो हम 7 बजे ही रामलीला में चले जाते थे अपनी दरी लेकर के बिछाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज तो जोरदार बारिश हो रही है, दो तीन दिन से बारिश हो रही है और आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो बाहर का काम हमारा कुछ है नहीं और अंदर का काम हमारा हो गया है। तो मैंने सोचा है कि आज मंदिर की सफाई कर ली जाए। मंदिर की सफाई करने में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ साफ करनी होती है, सारा सामान हमें उठाना होता है। तो जब तक मैं करती हूँ मंदिर की सफाई, तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो में। ये है हमारा मंदिर और ये सारा सामान मुझे उठाना है और इनकी फूल डस्ट वगैरह जो भी लगी है वो सब साफ़ करनी है। तो ये सब करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ये सब निकालने हैं। तो ये सारी सफाई जो है ये रोज़ हर समय हो नहीं पाती है, साल भर में एक ही बार हो पाती है। ये मंदिर में काफ़ी सामान रखा हुआ है और ये सारा सामान मुझे उठाना है, वो भी अकेले। बच्चों की चल रही है पढ़ाई और मम्मी के पापा यहाँ पे हैं ही, तो ये सारा काम मुझे ही करना है अकेले। आज तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, गर्मी भी नहीं लगेगी सफाई करने में, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ सफाई, उसके बाद मुझे खाना खाना है। ये मंदिर मेरा पूरा हो चुका है, नीट एंड क्लीन, जितना मुझसे हो सकता था मैंने साफ़ किया। ये मंदिर की माला मैंने धोने डाल दी है, तो मैं लगाऊंगी अब मालाएं सूखने के बाद। तो फिलहाल पहले मेरा मंदिर का काम हो चुका है पूरा। मेरे मंदिर साफ़ करने तक इन्होंने बनाया है वाइट सॉस पास्ता ये, और मैं तो खाती नहीं हूँ, इन्होंने अपने लिए बनाया है। ये मंदिर की मालाएं मैंने धो के रख ली हैं और जब तक ये सूखती हैं और तब तक मैं कर लेती हूँ लंच। इतनी जल्दी तो ये क्या सूखेगी, कल ही तक सूखेगी, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है और बच्चों ने पास्ता बना लिया है मेरे मंदिर साफ करने तक। मंदिर साफ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, 4 बज गए और उसने इसलिए खुद ही बना लिया। तो चलिए अब मैं भी कर लेती हूँ लंच। दोस्तों आज तो मंदिर की सफाई करके दिल को सुकून मिल गया है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि आज मंदिर की सफाई हो गई है। जैसे मंदिर की सफाई हो गई वैसे अंदर भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी मैंने दिया जला लिया है और पूजा भी मैंने कर ली है और 7:30 बजने को आए हैं और खाना मैंने बना लिया है। और आज तो सारा दिन बारिश लगी हुई है बाहर, अभी भी बारिश हो रही है। तो रामलीला जाते हैं या नहीं जाते हैं, सब लोग जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। तो चलिए अब हम खा लेते हैं खाना, और जब तक हम खाते हैं खाना तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो में।
मंदिर माला के बिना थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तो कोई नहीं, कल मैं सजा दूंगी मंदिर को फिर से। हाँ तो दोस्तों, अभी हम तैयार हो गए हैं रामलीला जाने के लिए। तो रामलीला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी कलाकारों का उत्साह वर्धन करना होता है, वो भी इतनी मेहनत करते हैं। और बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो हम छाता लेके जाएंगे। और आज मुझे भी ठंड लगी है, मैंने स्वेटर पहनी है आज, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है बाहर, तो ज्यादा ही ठंडा हो रहा है। और इसलिए बच्चे भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, क्योंकि कल संडे है, तो उनको भी हम छाता में छाता ढका करके ले जाएंगे। आगे बैठना होता है और वीडियो भी बनानी होती है, तो इसलिए हम जा रहे हैं जल्दी। तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं रामलीला में। ये बच्चे हैं तैयार रामलीला जाने के लिए, क्योंकि कल इनकी छुट्टी है, इसलिए ये आज रामलीला देखने आ रहे हैं। और कल ये तो बहुत रो रही थी रामलीला देखने के लिए, और देखती पूरी रामलीला देखती गई थी। हाँ, कल तो रो रही थी पूरी रामलीला देखने के लिए। अभी आपको रामलीला अच्छी लग रही है? हाँ हाँ, बोला गलत नहीं जा रही, बस खाली हल्की हल्की बारिश आ रही है। छाता लेके हम आए हैं आज, मैं तो दीदी की छाता से काम चला लूंगी, और ये कुसुम की छाता लेके चल रही है। चलो 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 चलो, तो हम चले छाता में रामलीला देखने। और अब अक्की भी आ रहा है, अक्की का हम इंतजार करते हैं। और ये सब छाते में आप पहला चांस है कि हम ये छाता लेकर के रामलीला जा रहे हैं। प्रार्थना भी शुरू हो गई है। पहले तो हम 7 बजे ही रामलीला में चले जाते थे, अपनी दरी लेकर के बिछाने के लिए जगह घेरने के लिए चले जाते थे, और अपनी जगह में किसी को भी हम बैठने नहीं देते थे, सबसे आगे हम बैठते थे। और लेकिन आज हम सबसे पीछे बैठते हैं। हाँ, बचपन में हम सबसे आगे बैठते थे, बचपन में हम सबसे आगे बैठते थे, और अब हम सबसे पीछे बैठते हैं। वो फायदा हो रही है ना, आज ये गाना है, वो बिना कर दिया। मैंने कहा ये गाने में स्टेज में जाके डांस से करके आएगी मैं। अरे क्यों, हमने मैंने खुद रामलीला में डांस किया है, प्रार्थना की है, और अहिल्या बने हैं, सीता की सहेली हम बने हैं सब लोग। तो अभी तो हम सब अलग अलग हो गए, सारे फ्रेंड्स सब अलग अलग चले गए हैं, मैं हूँ जो यहाँ पे हूँ अभी, इसलिए मैं अपने थ्रू उन सब लोगों को रामलीला दिखा लेती हूँ, और सब बड़े खुश हो रहे हैं रामलीला देख करके। तो हाँ, इनाम के बाद वहाँ जाना भूल गए, शर्म के मारे गए नहीं। कब? जब अच्छा 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 इनाम लेने के लिए शर्म के मारे नहीं गए। यार वो दिन भी क्या दिन थे ना, बड़ा अच्छा लगता। हम तो रोते थे जब रामलीला खत्म हो जाती थी, रोना आ जाता था हमको, है ना। ये आज रामलीला में ज्यादा भीड़ नहीं है, सारी चेयर्स खाली है, और ये लेकिन फिर भी लोग आए हुए हैं। आगे लोकल के लोग आए हुए हैं, हमारे जैसे लोग। काफ़ी बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, तो कल संडे है इसलिए सारे लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे। बच्चे भी आए हैं हमारे, मम्मी ये, तो अभी रामलीला शुरू नहीं हुई है। ये बच्चे रेनकोट पहन के भी आए हैं। मुख्य व्यवस्था श्री गिरीश अगर यदि आप श्री राम के दूत है तो उन्होंने अभी तक मेरी सुनी क्यों नहीं? नहीं रखते तो ए माता तुझ नहीं रखते तो
पता नहीं। लो बहुत बना ले मैंने। अभी हम जा रहे हैं घर को और ये सब छाता वाता लेकर के, बारिश हो रही है अभी भी, जाते समय भी बारिश हो रही थी और आते समय भी बारिश हो रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट बाय। हेलो दोस्तों, गुड नाइट बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। रोज हम 11:30 बजे आ जाते हैं घर। नहीं नहीं, मैं पूरे होश में थी।